कोई मिल गया और ईटी जैसी फिल्मों ने कई लोगों को एलियंस की कहानियों से परिचित और रोमांचित कराया है। बचपन में भी कॉमिक्स या टीवी शोज देख देख कर कई लोगों के लिए पृथ्वी को एलियंस से बचाना भी फैंटेसी में शुमार होने लगता है। अगर आप भी उसी श्रेणी में आते हैं तो आपके लिए नासा एक खास ऑफर लेकर आया है। जी हाँ, आजकल नासा दूसरे ग्रहों पर जिंदगी की तलाश में नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स की तलाश में है जो धरती को एलियंस के खतरों से सुरक्षा दे सके। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा पृथ्वी को एलियंस से होने वाले संभावित खतरों से बचाने के लिए एक खास किस्म की भर्ती कर रही है। इस पद का नाम है प्लेनेटरी प्रोटेक्शन ऑफिसर और ये एक फुल टाइम जॉब है। इस अधिकारी का काम होगा धरती और चंद्रमा पर मानव द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण की रोकथाम करना। इस काम के लिए नासा हर साल 1,24,406 अमेरिकी डॉलर से लेकर 1,87,000 अमेरिकी डॉलर देगा, यानी करीब 80 लाख से लेकर 1,20,00,000 रुपए हर साल मिलेंगे। इस जॉब के पोस्ट में कहा गया है कि दुनिया में इस तरह की नौकरियां नासा के अलावा केवल यूरोपियन स्पेस एजेंसी में है। इस अधिकारी को दूसरे ग्रहों से होने वाले संभावित खतरों से भी पृथ्वी को बचाना होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि मंगल जैसे ग्रहों पर कभी पानी रहा होगा जिससे वहां पर जीवन होने की संभावना अब भी बरकरार है। नासा के मुताबिक इस पद के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को सरकारी सिविल सेवा में काम करने का कम से कम एक साल का अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही इंजीनियरिंग, फिजिकल साइंस या गणित में एडवांस डिग्री होनी चाहिए। साथ ही अपने काम को लेकर पैशन और घूमने का शौक प्लस पॉइंट हो सकता है। इच्छुक कैंडिडेट्स जॉब के नियम और शर्तों के साथ 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इस पद के लिए अप्लाई करने वाले कई लोगों को निराशा भी हाथ लग सकती है, क्योंकि इस पद के लिए केवल अमेरिकी नागरिक ही अप्लाई कर सकते हैं।